नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ डाबर हिंगवास्टक चूर्ण के बारे में, जो लगभग सबको पता ही होगा गैस के लिए होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको इसके अदर यूज़ भी बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों बने रहे हमारे से वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। हिंगवास्टक चूर्ण दोस्तों आपको डाबर, वैद्यनाथ कई तरह की कंपनियों को देखने को मिल जाता है, लेकिन डाबर की कंपनी को हिंगवास्टक ये 99 रुपीज़ का आता है, जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बहुत ही बेनिफिशियल इसके यूजेस वगैरह हैं, तो आपको ये इजीली मेडिकल्स वगैरह में मिल जाता है दोस्तों। वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदिक कंपनी है डाबर का। इसके कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं जो बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। हिंगवास्टक चूर्ण में दोस्तों सेंधा नमक के साथ हर्बल सामग्री में मिली होती है। लगभग 7 से 8 इसमें कंटेंट इसमें डाले गए हैं और दोस्तों ये पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में माना जाता है दोस्तों, अगर आपका पेट सही एकदम बिल्कुल फिट है तो आपको कोई भी रोग नहीं होता है दोस्तों। अगर आपका पेट खराब रहता है तो आपकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रोग वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों इम्यूनिटी पे भी काम करता है और आपके पेट वगैरह को भी सही रखने में मदद करता है दोस्तों। इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाता है काली मिर्च, लंबी काली मिर्च, अदरक, अजमोदा, काला नमक, सफ़ेद जीरा और काला जीरा एंड हींग आदि घी जैसे इसमें कंटेंट इसमें डाले गए हैं, जो पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। उपयोग की बात करते हैं तो दोस्तों इंडाइजेशन होता है यानी बद हजमी हो गया, अपच कहते हैं जिसको। इसके सिम्टम्स जैसे पेट भरा होना, फूला हुआ लगना, सीने में जलन होना, जलन का एहसास होना चेस्ट में या पेट में, मितली आना, डकार आना, पेट फूलना आदि जैसे इसके सिम्टम्स देखे गए हैं जो इंडाइजेशन के होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने कई तरह की बताई हैं पहले भी, जिसमें पेट साफ नहीं होता है या फिर हमें पेट साफ करने में प्रॉब्लम होती है या फिर रुमल जो होता है रुक रुक के हो रहा है या फिर अचानक से कभी कभी हो रहा है, तो वो एक इंडाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। पाचन तंत्र खराब हो जाता है तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल वगैरह हार्ड हो रहा है तब भी आप इसका यूजेस वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों इसका। माउथ में स्मेलिंग वगैरह आ रही है, अगर आपको भूख वगैरह भी नहीं लग रही है तब भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उल्टी मितली हो गया, पेट में सूजन हो गया, पेट दर्द आदि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। इसको दोस्तों भैषज या रत्नावली जो हमारी आयुर्वेदिक एक किताब है उससे लिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। बहुत अच्छा हो, उसमें सारे कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी के साथ दिखाया गया है। आप चाहें तो वो ऑनलाइन या फिर आप स्टोर से भी खरीद सकते हैं बुक, आपको पूरी जानकारी आयुर्वेद के बारे में उसमें देखने को मिल जाती है। पेट दर्द के लिए उपयोगी होता है, जैसे सामान्य पेट दर्द, अचानक से पेट दर्द, ऐंठन हो रही है या फिर आपको जैसे लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम है, लंग्स के रोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, जैसे कि फेफड़ों के बलगम के लिए, अस्थमा रोगियों के लिए, ब्रोंकाइटिस रोगियों के लिए, सांस लेने में तकलीफ आदि जैसे रोगियों के भी साफ करने में मदद करता है। ये दोस्तों जो लंग्स में जो बलगम वगैरह है उसको क्लियर करने में मदद करता है और जिससे सांस वगैरह इजीली आनी शुरू हो जाती है। इसके दोस्तों हाउ टू यूज़ जो है, आप इसको दिन में 1 से 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम यानी हाफ से 1 चम्मच उसको भी ले सकते हैं दोस्तों। ये आपको बेनिफिट्स या फिर जो उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूरी जानकारी लीजिएगा, उनको अपनी सारी कंडीशन बता के वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपके लिए कौन सा चूर्ण वगैरह या फिर कौन सी मेडिसिन बेनिफिट्स रहती है। गैस वगैरह रहता है तो आप इसका यूज़ इजीली कर सकते हैं दोस्तों। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक है और आपको कोई भी नुकसान वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सारे के सारे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो हमारे डेली यूज़ में भी हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसको प्रिकॉशन के बारे में। दोस्तों कुछ रोगियों में इसको लेने से जलन वगैरह हो सकती है क्योंकि इसमें कई तरह के 2-3 नमक इसमें डाले गए हैं। अगर दोस्तों कोई बीपी का पेशेंट है या फिर हार्ट डिजीज़ या फिर किडनी का कोई मरीज है तो उसको सावधानी से लेनी चाहिए, डॉक्टर के जानकारी के अनुसार ही लेना चाहिए दोस्तों। जब भी माँ दुग्ध अवस्था में रहती है, बच्चों को देते हैं, तो उस समय भी इसका उपयोग किया जा सकता है और बच्चों में भी बहुत कम मात्रा में इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वही डॉक्टर की जानकारी से और उनको
पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। आप ऐसे रोगों में इसका सावधानी से यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं एक फार्मासिस्ट हूं, आपको ये जानकारी पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जब भी कोई दवाई ले तो डॉक्टर से जानकारी ज़रूर लीजिएगा, उनको प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लीजिएगा, उनको सारी जानकारी के अनुसार ही दवाई का सेवन कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों हिंगवास्टक चूर्ण के बारे में सारी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों 100 के होने वाले हैं तो जल्दी से करवा दो, बहुत ज़्यादा 2 से 3 साल की मेहनत लगी है। तो बस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं। तो मिलता है नई वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।